صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून फितनों के रुख मोड़ दिए सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ ताइफ की गलियों में सलाम उस पर के जिसका हुस्न है फूलों में कलियों में सलाम उस पर के जो आलम के लिए रहमत का साया है सलाम उस पर के जिसने नारे दोज़ख से बचाया है ईमानी भाइयों आप हजरात हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा आपकी मुबारक सीरत के इब्तदाई हालात सुन रहे थे हजरत मौलाना शफीक साहब से। मेरे जहन में था कि और मुझे सिर्फ दुआ करनी है या दुआ में शरीक होना है, लेकिन साथियों ने बताया तो 10-20 मिनट तक कुछ अर्ज भी करना है, तो फिर मैंने कोई नई बात न शुरू करके उसी के साथ तज़मीन की, शाख तराशी की, उसी के साथ अगली बात को जोड़ने की कोशिश की है। बात असल में क्या है, मेरा और आपका मालिक, इस कायनात का मालिक रब कायनात परवरदिगार आलम हक जल्ला मजदू बहुत ज्यादा अपनी मखलूक पर मेहरबान है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, ऐ इंसानो अगर तुम शुक्र बजा लाओ और तुम मुझे मान लो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम अल्लाह तुम्हें सजा देती क्या करेगा, कोई झगड़ा है क्या तुम्हारे साथ, कोई लड़ाई है तुम्हारे साथ, कोई दुश्मनी है, कोई तुम्हारे साथ जिद है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाओ, अगर तुम शुक्र अदा करो तो अल्लाह तुम्हें सजा दे के क्या करेगा, वो सजा नहीं देना चाहता है, वो तुम्हें माफ करना चाहता है। فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار میں نے تیرے بندوں کو بہت بلایا
और मैंने कहा आ जाओ तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है और वो कह रहा है कि आओ तुम्हें माफ करूंगा। फकुलतु अस्तगफिरु रब्बकुम, मैंने उनसे कहा अपने रब से बख्शिश मांगो। इन्नहु कान गफ्फारा, वो बहुत माफ करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है और बुला रहा है तुम्हें आओ तुम्हें माफ करना चाहता हूँ, बहुत मेहरबान है। ये परवरदिगार की मेहरबानी का एक हिस्सा है कि परवरदिगार वो तबका जो इंसानों को उनके मालिक का पैगाम पहुंचाने के लिए आता है, इंसानों को उनके मालिक का रास्ता दिखाने के लिए आता है, इंसानों को अपने मालिक से जोड़ने के लिए आता है, जिस तबके को हम अंबिया का तबका कहते हैं, उनके साथ ऐसे हालात पैदा करता है कि उनके दिलों के अंदर इंसानों का बहुत ज्यादा दर्द होता है, इंसानों के परेशानियां और मुश्किलों और दर्द का उनको एहसास पैदा करने के लिए उनको वैसे हालात से गुजारा जाता है। और तकरीबन सारे अंबियाए किराम का यही हाल है। एक एक की सीरत को आप पढ़ें, एक एक पर गौर करें तो बिल्कुल यही लग रहा है कि परवरदिगार ने इंसानों का दर्द उनके दिल में पैदा करने के लिए ऐसे हालात से उनको गुजारा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, बाजार में बेचे गए और फिर मिस्र की जेल में डाले गए और जेल के सलाखों के पीछे बाद हजरात के नजदीक 7 साल और बाद के नजदीक 14 साल तक रखे गए। इतना लंबा अरसा इतनी मुसीबतों से गुजरे, नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी का पड़पोता, खुद नबी अल्लाह अकबर, और बाजार में गुलाम बनाकर बेचे जा रहे हैं, कैसे हालात से गुजारे जा रहे हैं, कुएं में डाले जाते हैं, बड़े बड़े मुजरिमों को बहुत लंबे अरसे तक लोग कुएं की सजा देते थे कि इनको कुएं में बंद रखो। हमारे तारीख के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, उस किताब का अक्सर हिस्सा कुएं के अंदर ही लिखा गया है और उनके पास कागज कलम नहीं था, वो बोलते थे और उनके शागिर्द ऊपर उसका लिखते थे बयान। अल्लाह ताला ने उनको कुएं में भी रखवाया, गुलाम बना करके बिकवाया भी, जेल में भी पहुंचाया, और ये सारे हालात क्यों गुजरे? وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम उनको बातों की गहराई में उतारे, उनको बात समझ ना आए। कल उनके पास कोई दर्द का मारा, हालात का मारा आएगा जिसको कुएं में डाला गया होगा, तो अगर उन्होंने कुएं को नहीं देखा होगा वो कैसे समझेंगे कि इसके दिल पर क्या गुजरी, क्या मुसीबत बीती है इसमें। कल कोई ऐसा शख्स आएगा उनके पास कि मुझे बेगुनाह को बगैर किसी कसूर के 10 साल तक 14 साल तक जेल में रखा गया, क्या गुजरी उसके ऊपर, किस तरह उसकी रातें बीती, किस तरह उसके दिन कटे, किन मुसीबतों से, किस खाक और खून के दरिया को क्रॉस करके उसने वो ये 14 साल गुजारे हैं। जब तक वो खुद उससे दो चार नहीं होंगे वो कैसे समझेंगे? किसी पाक दामन के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए और उसको बदनाम करने के लिए गलत बातों को उसकी तरफ मंसूब करें और पूरा मुल्क एक तरफ हो जाए और सब गवाह बन जाएं, झूठे गवाह, बैन अल-अक़वामी झूठे, सब कहें कि इसने ये गलत काम किया, ये ऐसा है वैसा है, अगर ये ऐसा नहीं था तो जेल में क्यों गया, अल्लाह ने इसको क्यों सजा दी। अगर कल कोई इस तरह का इश्तिहारी मुजरिम बेगुनाह उनके पास आए और वो कहे नहीं वो बेगुनाह और मुझे इश्तिहारी मुजरिम करार दिया, तो कैसे समझेंगे इस राज को, उसके दर्द को कैसे समझेंगे? وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ,
ताकि हम उनको बातों की गहराई में जाना उतारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यही हालात पेश आए। इब्तदाई दौर है, परवरदिगार ने यूं तरबियत फरमाई, उनको फिरौन के महल में रखा। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। अगर वो बनी इसराइल में पलते बढ़ते और फिर नबी बनकर के जाते, अल्लाह की तरफ से उनको जलाल दिया जाता, रोक दिया जाता, लेकिन फिर भी फिरौन जो अपने आप को खुदा कह रहा है और जिसको चाहता है उसको कत्ल कर देता है, जिसको चाहता है उसको मार कर देता है, कितने बच्चों को मां की गोद से छीन कर कत्ल करता है, और उसके दिल के ऊपर जू नहीं रेंगती, उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगती, एहसास नहीं होता उसको, कोई खौफ नहीं, कोई खतर नहीं। तो मुमकिन था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में है, आखिर इंसान है, तो शायद उसके कुछ रोब का, उसके कुछ दबदबे का कुछ असर होता। फिरौन के महल में पाला गया। और कैसे तरबियत हुई, कभी फिरौन की दाढ़ी खींचते हैं और फिरौन कहता है मुझे लगता है ये वही बच्चा ना हो जो मेरी बर्बादी का जरिया बनेगा। फिर हजरत आसिया को खड़ा किया जाता है, वो कहती है पागल बुढ़े, अकल भी है तुझे, बच्चे का काम है यही खींचता रहता है दाढ़ी, और तुझे बस ख्वाब में भी बीवी को छिछड़े नजर आते हैं, तुझे वो बच्चा ही नजर आ रहा है, डरपोक कहीं का। अरे ऐसे बच्चे करते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मशहूर रिवायत है, उसने कहा ना मुझे लग रहा डर ये वही बच्चा होगा। कहा अच्छा, एक थाल में हीरे रखकर लाओ और एक में अंगारे लाओ, देखते हैं किसको उठाता है। और ये रिवायात में तारीखी रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जवाहरात की तरफ जा रहा था, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अंगारों की तरफ कर दिया। और जब बच्चे को कोई चीज सख्त लगे हाथ में तो मुंह में डालता है, उसको मुंह में डाला। एक बड़ा तबका कहता है इसी की लुकनत थी जिसके लिए कहा था रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ठीक है, वो तरबियत हुई, उससे उनके अंदर जलाल पैदा हुआ। और जलाल भी कैसा पैदा हुआ, आप अंदाजा लगाएं। फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुम अला खुदा कहता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया, परवरदिगार को यह इरशाद फरमाना पड़ा, मूसा फिरौन को ज्यादा नहीं डराना, कहीं बेचारे का काम ना हो जाए। उसको मालूम है फवाकज़ा मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, वो एक क़िब्ती जिसने इसराइली को तंग किया हुआ था, उसको खाली समझाने के लिए वाकज़ा मूसा, ऐसे जरा सा मारा मूसा, पागल तंग करता है लोगों को, फ़क़ज़ा अलैहि, वहीं पर उसका काम हो गया। फिरौन को वो सब मालूम है, उसको जोर से नहीं धमकाना, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम क़ौल लय्यिना, नरम बात करना उससे, नरम नरम बात करना। कैसा जलाल आ गया, जलाल तो आ गया, लेकिन खाली फिरौन को तो नहीं ना समझाना। इसके लिए फरमाया 8 साल जाओ बकरियां चराओ। वो आज साथियों को पूछ रहा था, इकबाल ने कहा ना क्या कहा उसने, अगर आए कोई शुएब मुयस्सर शबानी से कलीमी दो कदम, वैसे ठीक कहा लेकिन मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि अंबिया की तरबियत कोई नहीं करता है कि किसी मास्टर की तरबियत में वो तैयार हुए हूं। हजरत मूसा अलैहि सलाम जैसे जलील उल कदर पैगंबर को भेजा हुआ कि जाओ शुएब अलैहि सलाम से जाके सबक हासिल करो तो फिर तुम कलीम बन जाओगे, वो तो अल्लाह बनाता है कलीम, हालात वैसे गुजरते हैं। फरमाया बकरियां चराओ और बकरियां चराने वालों को पूछो किस तरह उनकी तरबियत होती है। बकरियां तंग करती हैं, भागती हैं, खेतों में जाती हैं, किसी का खेत उजाड़ती हैं, किस तरह इंसान उसके पीछे दौड़ता है, दिन भर थक जाता है, ये किस लिए। फरमाया अब तुमको इंसानों को समझाना है, उनकी गिलेबानी तुमने जहां बानी करनी है गिलेबानी करो, इससे जहांबानी को सीखो, बस दो ही कदम फासला है। उनको बकरियों के पीछे दौड़ाया गया, मुशक्कतों से दो चार किया गया, उनसे वो कत्ल हुआ जिससे वो मिस्र से भागे और 500 किलोमीटर मुसलसल दौड़ते चले गए और मदियन पहुंच गए।
ये सब कुछ भी किस लिए पेश आया? फरमाया जो आगे हालात पेश आएंगे ताकि आप उसको सह सकें और उसको समझ सकें कि लोगों पर क्या गुजर रही है। जो कुछ हजरत मौलाना बयान फरमा रहे थे, अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा करना है, अपने महबूब को पैदा करना है, तो मुनासिब तो ये लगता है ना कि कायनात में अल्लाह की जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह होती उसका इंतखाब होता। उसकी दौलत में, उसकी कायनात में जितनी बड़ी दौलत होती वो अपने महबूब पर निछावर की जा। अल्लाह के हबीब है बाद अज़ खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। जब अल्लाह के बाद वही हैं तो फिर तो उनको दुनिया की तमाम नियामतें होती, बाग ही बाग होते, सब्जे ही सब्जे होते, चश्मे बह रहे होते, झरने चल रहे होते, बेहतरीन किस्म की क्यारियां होती, खूबसूरत मौसम होता, गर्मी का नाम और निशान ना होता, चारों तरफ दौलत का अंबार होता। इसलिए कि अल्लाह के हबीब आए हैं तो अल्लाह की कायनात में जब किसी चीज की कमी नहीं तो सब कुछ मिला होता। और कभी कभी उसका वो थोड़ा सा मंजर भी दिखाया जाता है और वो उसकी तरफ इशारा किया कि कभी आप यूं करते हैं तो उसके साथ में चांद भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वालदा अभी पेट में है, सितारे झुके जा रहे हैं, और कभी उन अभी मां के शिकम में है, आपकी बरकत से पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, हलीमा सादिया की बकरियों के थनों में पानी आ रहा है, हैं वो गधी और वो घोड़ी, वो ऊंटनी जिस पर सवार होकर आई थी मरियल किस्म की, वो सब सेहतमंद हो जाती हैं। अभी तो सिर्फ गोद में गए हैं। और वो मशहूर बात कि हलीमा से लोग पूछते हैं क्या हुआ, सवारी बदल दी? कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। और इतना ही नहीं बल्कि वो बकरियां जिनका दूध हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आपकी रजाई वालिदा हजरत हलीमा पीती हैं, उनके शोहर पीते हैं, उनके बच्चे पीते हैं, उन बकरियों के लिए भी चारे का इंतजाम हो रहा है। जहां बकरियां जाती हैं वहां चारा ही चारा। हलीमा की बकरियां चर कर आती हैं पेट भरे हुए, और दूसरों की बकरियां बिल्कुल मरियल, और वो उनको कोसते हैं अपने चरवाहों को कि कमबख्तों कहां चराते हो तुम, वहां क्यों नहीं चराते हो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं? उनको नहीं मालूम है हलीमा की बकरियों को कोई और चरा रहा है, उनके लिए कहीं और से घास का इंतजाम हो रहा है। हाय हाय, जिस शहर में जाए उसमें इतनी बरकतें, जिस गांव में जाए उसमें इतनी बरकतें, जिस घर में जाए उसकी उसमें इतनी बरकतें, और जिनके शिकम में हूं उनके लिए सितारे झुके और दरख्त उनको सलाम करें और उनके लिए कुएं से पानी नीचे से ऊपर आ जाए, ये सब कुछ आपकी बरकतें हैं। और आपका हाल क्या है? आपको यतीम पैदा किया जा रहा है। हाय हाय, कश्मीर की क्यारियां नहीं, स्विट्जरलैंड के बागों का नहीं, और सब्जाजारों का, बहारों का, चश्मों का, दरियाओं का इंतखाब नहीं हो रहा है। بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، उस जगह पैदा करूंगा जहां कुछ पैदा होने की उम्मीद ही नहीं है, इसलिए कि बाग वालों को फल मिलेंगे जिनके पास बाग नहीं है, उनके दर्द का आपको कैसे एहसास होगा? जिनके पास दरिया हैं, चश्मे हैं, मीठे पानी हैं, उनको पानी मिलता है, तो जो गर्म इलाके में पैदा होते हैं उनकी प्यास का कैसे आपको एहसास होगा? हाय हाय, और जो अगर आपके वालिद जिंदा हों, आपकी वालिदा जिंदा रहें और एक जमाने तक जिंदा हों, तो जो यतीम हो गए दुनिया में उनकी यतीमी का एहसास आपको क्या हो कैसे होगा? वो एहसास से कम तरी में मुबतला होंगे। हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया, और कोई कहेगा मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। फरमाया तू बदकिस्मत नहीं, तू खुश किस्मत है कि तुझे मेरे हबीब की सुन्नत खुद ब खुद ही नसीब हो गई। मेरे हबीब भी यतीम पैदा हुए थे, तू भी यतीम है, उनकी वालदा भी चली गई थी, तेरी वालदा भी चली गई, तू एहसास कम तरी में मुबतला क्यों होता है? हाय हाय, और ये सारा कुछ किसके लिए किया जा रहा है? फरमाया मैं अपने बंदों का दिल रखना चाहता हूँ,
किसी का बाप मर जाए इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे नाराज हो गया और उसके ऊपर क़यामत टूट गई, और ये मतलब नहीं है कि किसी की माँ चली जाए तो वो बदकिस्मत है, नहीं नहीं खुशकिस्मत है, ये अल्लाह के निजाम की बात है। और फरमाया आपके दिल के अंदर दर्द पैदा करना मकसद है, यही नहीं। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर में बेहतरीन नमूना है। कभी इस मजमून की गहराई में उतरे, दुनिया में किसी भी इंसान के साथ जो जो हालात पेश आ सकते हैं वो सारे के सारे हालात हबीबे किबरिया पर गुजारे गए, किस लिए? ताकि उनके दर्द का आपको एहसास हो। आपकी सबसे लाडली, आपकी सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा है, लेकिन उनकी गोद बच्चे से खाली है और आखिरी वक्त तक खाली है। और जिसकी चहेती बीवी, लाडली बीवी, प्यारी बीवी, मगर उसकी गोद बच्चे से खाली हो, उसके दिल पर क्या गुजरती है और बीवी के दिल पर क्या गुजरती है? अगर आपकी बीवी की गोद खाली ना रहती तो दुनिया वाले सारे इस तरह के लोग समझते हम बड़े बदकिस्मत थे, बच्चा ही नहीं हुआ। अरे ये बात नहीं, ये तो निजामे कायनात है, उसने अगर आपको ये नियामत नहीं दी, नहीं मालूम इसके बदले में क्या क्या नियामत दे दी होंगी, ये थोड़ी सी मुशक्कत दे दी है। फरमाया कई मरतबा तुमको मरतबा मांगते हो जन्नत में जो तुम इबादत से हासिल नहीं कर सकते हो, मैं कुछ हालात तुम पर लाता हूँ जिन पर तुम सब्र करते हो, फिर तुमको वो मरतबा फ्री में मिल जाता है। वो देखो आयशा सिद्दीका की गोद खाली है, हबीबे किबरिया की लाडली और चहेती बीवी है, क्या उनको नहीं ख्वाहिश थी कि मेरे घर में भी बच्चा होता? कौन औरत नहीं चाहेगी? हाय हाय, अल्लाह ने ये कितना कर्म किया। फरमाया मैंने यतीमों का दिल रखना था इसलिए मैंने अपने हबीब को भी यतीम पैदा कर दिया, कितना मेहरबान है वो मालिक। आप फरमाते थे अभी अल्लाह फरमा रहे थे कि आपके घर में चिराग नहीं था, बड़ी जबरदस्त बात कही हमारे बुजुर्ग ने। फरमाया बड़े लोग ये कहते रहते हैं कि आपका बिछौना बेगोरिया था, आप खाक के ऊपर लेट जाते थे। फरमाया सिर्फ खाक पर लेट जाना ये थोड़ा कमाल है? अगर किसी के पास सोने के लिए कुछ हो ही ना और वो सड़क की पटरी पर लेट जाए, वो मिट्टी पर लेट जाए, वो खाक पर सो जाए, तो उसका सोना क्या खाक सोना है? लेकिन जिसके लिए अर्श बना, जिसके लिए जिब्राइल आया, क्या एक मर्तबा इशारा कर दे मर्तबा के सारे पहाड़ों को सोना बना दिया जाएगा? वो अर्श वाला अगर फर्श पर सोता है, वो जिसके लिए सारे पहाड़ सोना बन सकते थे, वो खाक पर अगर सोया उसका सोना खालिस सोना था। ये किया गया ऐसा, जिसके घर में चिराग ना जले, जिसके घर में कभी तेल ना हो, वो ऐसा से कम तरी में मुबतला ना हो, हाय मेरी किस्मत टूट गई, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे बदकिस्मत क्या बेवकूफाना बातें कर रहा है, बेअकल इंसान, तेरी किस्मत नहीं फूटी, तुझे तो फ्री में हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की सुन्नत नसीब हो रही है। एक एक इंसान पर वैसे हालात आ रहे हैं, कोई हो ही नहीं सकता। किसी का बेटा चला जाए, हाय हाय, जवान बेटा चला जाए, बचपन में किसी का बेटा चला जाए, छोटा बच्चा चला जाए, फरमाया मेरे हबीब में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना एक बेटा नहीं, दो बेटे नहीं, तीन बेटे गए और बात तो कहते हैं चार गए, अल्लाह। और किसी का चाचा चला जाए, फरमाया वो देखो हमजा, मेरे हबीब के चाचा भी हैं, दोस्त भी हैं, रजाई भाई भी हैं और डबल रजाई भाई हैं, और इस कदर मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत के जोश में ईमान लाए हैं। उस वक्त में होश में नहीं, फिर होश में, उस वक्त में क्या जोश आया? एक बांदी ने कहा कि अबू जहल ने आपके भतीजे को ऐसे ऐसे गालियां दी, अबू जहल ने उसकी ये हिम्मत, कमान हाथ में थी, सीधी उसके सर में मार दी। रिवायात में आता है उसके सर से खून का एक फव्वारा निकला और लोगों को देख करके जोश आया, मगर वो बड़ा चालाक था। उसने कहा हमजा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, गुस्सा ना हो, इसको इस वक्त में गुस्सा आ गया है, कोई बात नहीं है, उस गुस्से की वजह से ईमान लिया। लेकिन जब ईमान लाए, जब कुरान के करीब हुए, हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए, तो ईमान ने दिल के अंदर घर बना लिया,
जगह बना ली, वो मकाम अता हो गया कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़यामत तक जितने लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएंगे उन सब के सरदार हजरत हमजा होंगे, सैयदुश्शुहदा। 70 लोगों की लाशें लाइन में रखी हुई, एक एक के ऊपर वैसे हाथ, एक एक के काम के लिए, किसी के सामने कोई भी काम पेश आ जाए, फरमाया हर काम के लिए नमूना है मेरे हबीब सल्लल्लाहु। इसका ननिहाल था, दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था, लेकिन इतनी वो रिश्तेदारी पालते थे, एक महीने तक के लिए सीखा, तैराकी सीखी, यहां से वापस आ रहे हैं, ना मक्का में है ना मदीना में है, बीच में जंगल पहाड़ों का बियाबान इलाका, खामोश किस्म के पहाड़, वहां आप समझे, आपको मालूम हो उसके दिल पे क्या गुजरती है, फिर उसकी आप उसको आपकी शफ़क़त नसीब हो। अम्मल यतीम फला तकहर, जो यतीम हो उसको आप झिड़के नहीं। और फरमाया कि जब आप यतीम के साथ ऐसे पेश आएंगे फिर उम्मत को भी सबक मिलेगा। हाय हाय, और उम्मत को कैसा सबक मिला, मेरे और आपके आका हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फरमाया दुनिया में सबसे बदतरीन वो घर है जिसके अंदर कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक ना हो रहा हो, और दुनिया में अल्लाह ताला के नजदीक पूरी कायनात में सबसे अच्छा घर वो है जहां कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक हो रहा हो। और आपने फरमाया यतीम को देखो उसके सर के ऊपर शफकत से हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे इतनी नेकियां तुम्हारे खाते में लिखी जाएंगी। और इस पर कैसा अमल हुआ, और सहाबा ने एक के बजाय दो दो हाथ कैसे रखे, अल्लाहु अकबर। उस मजमून को अगर पढ़ें और सुनें और बयान करें तो रात इधर ही गुजर जाएगी, ऐसी शफकत का मामला किया आपने और सहाबा ने। कितने वो बच्चे जिनके बाप जिंदा थे उनको ख्याल आने लगा काश कि हमारा भी बाप मरा होता, हमें भी अल्लाह के हबीब की ऐसी शफ़क़तें नसीब होती, ऐसी मेहरबानियां नसीब होती। आपके घर में चिराग क्यों नहीं जलाया गया, आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल क्यों नहीं, आपको क्यों गरीब घर में पैदा किया गया। और ये भी एक शान है, और जमाना कितना गिरा है, आज कहीं भी चले जाए, मैं नहीं कहता हूं यहां गांव में ऐसा होगा, मुझे उम्मीद है गांव में ऐसा नहीं होगा, शहर में कोई भी बात करता ना, ओ फलाना बंदा जी, ओ बड़ा बंदा जी, उसकी की गल कर दे तू, वो बड़ा आदमी है जी, जी बुढ़ नफर भाई क्यों बड़ा है, कहते पैसे बहुत इकट्ठे किए हैं, बड़ा चोर है, उससे वो बड़ा आदमी बनता है। क्या कमाल है, तमाम तारीख की किताबों में लिखा है आपके नकर दादा कुसई, उसने छीन करके मक्का की हुकूमत वो बनू खुजा से छीनी, छीन करके बनू खुजा से मक्का की हुकूमत ली। अब आज की जबान में मक्का का बादशाह कुसई है, और कुसई के बाद उसका बेटा अब्द मनाफ बना, और अब्द मनाफ के बाद उसका बेटा हाशिम बना, और हाशिम के बाद कुछ दिन मुत्तलिब के पास रही, उसके बाद फिर हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब को मिल गई हुकूमत, और अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बादशाह हैं। मगर बादशाह कैसे हैं, सुभान अल्लाह, वो जो बकरी चराने वाले वो कबाइल बच्चे लेने के लिए आए थे मक्का में, सब सुनते हैं, बहुत सुनते होंगे ये,
कि जब वो मक्का में बच्चे लेने के लिए आए तो अजीब करिश्मा अल्लाह का, एक तरफ ये है कि हलीमा सादिया जिन्होंने हुजूर को लेना है उनको अल्लाह ने ऐसी कमजोर हालत में रखा है, उसकी छातियों में दूध नहीं, खुद बहुत गरीब बिचारी, उसकी ऊंटनी की थनों में दूध नहीं, वो बिल्कुल मरियल किस्म की, उसको देख करके मक्का का कोई बड़ा आदमी उसको बच्चा नहीं देता है, उसकी तो ये हालत रखी। इधर हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं, मक्का के बादशाह हैं, गांव के मकदम हैं, गांव की जबान में बड़े आदमी हैं, सब मानते हैं सरदार मक्का हैं, मगर गरीब इस कदर हैं कि कोई आपको ले नहीं रहा है। क्यों? कहा इसलिए कि बाप भी मौजूद नहीं है, मजदूरी किससे लेंगे, और अब्दुल मुत्तलिब तो गरीब हैं, इनसे तो मजदूरी दी नहीं जाएगी। हाय हाय, और ये हो नहीं रहा है, खुद ब खुद ऐसे कोई गहरी हादसा पेश आ गया, अजीब इत्तेफाक हुआ कि हलीमा सादिया भी बहुत गरीब, अजीब इत्तेफाक हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत गरीब। फरमाया अजीब इत्तेफाक कुछ नहीं होता, कदालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ध, इससे समझो होता कुछ नहीं, ये किया जाता है, उधर उसको गरीब रखा गया, इधर इनको गरीब रखा गया, इसलिए कि दोनों की किस्मत को चमकाना है। अगर कोई बड़े घर की औरत आपको ले लेती तो लोग पहले कहते हैं कि हाँ मालदार औरत थी, बड़े घर की थी, इस छोटू को बड़ा बनाना है। हाय हाय, और इतना ही नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ आज भी बड़े घर में, कोई बड़े मालदार घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, अब ये आपके देहात के सादे लोग, ये सीधे सादे लोग, गडरिये लोग, बकरियां चराने वाले लोग, क्या ये सोच सकते हैं कि उस बड़े आदमी के बच्चे को एक मरता ये देख भी पाएंगे? बोलो ना, तमन्ना ही रहेगी बेचारों को कि सुना है कि श्रीनगर में एक बड़ा मालदार है, उसके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है चांद के जैसा चेहरा, और चांद के जैसा चेहरा क्या है, किसी अरबी शायर ने कहा, शबीहुक बदरुन बल अंत अनवरु व वजहुक मिन माइल मलाहति अज़हरु फया ज़ीनत अद-दुनिया व ग़ायत अल-मुना मिन वजहिक अल्लज़ी नुबिर अल-क़मरु, आपके चेहरे को चांद से तशबीह दूं का नहीं दे सकता हूँ, शबीहुक बदरुन बल अंत अनवरु, आपका चेहरा चौदहवीं का चांद नहीं, नहीं आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए कि चांद में दाग लगे हुए हैं, आपके चेहरे में दाग नहीं। अब कोई सुन ले, और यहाँ का कोई आदमी चादर रखे मुंडे के ऊपर और ये रुमाल बांधे सर के ऊपर और हाथ में डंडा भी हो बकरी चराने वाला, और वो चल पड़े जी मैं उस बच्चे की ज्यारत कर, उनको इसको देखने देगा? ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ने निजाम ऐसा रखा, पर मैं पैदा करूंगा अब्दुल मुत्तलिब के घर में, वालिद को पहले ही बुला लूंगा, वालिदा को 6 साल की उम्र में बुला लूंगा, और दादा को भी 8 साल की उम्र में बुलाऊंगा, लेकिन निजाम ऐसा रखूंगा कि सारे गरीबों को इसकी ज्यारत होगी, बल्कि गरीबों को पहले होगी, मालदारों को बाद में होगी। क्या शान है अल्लाह की, ये अल्लाह मेहरबान, अल्लाह की मेहरबानी है, जो नियामत होती है ना वो ऐसा नहीं है, अल्लाह बड़े बड़े लोगों को जो खास नियामत है वो अपने खास बंदों को, इन गरीबों के ऊपर अल्लाह को क्या तरस है। रानी की जबान में मिले ही नहीं, पूछा क्यों, कहा 3 दिन अपनी वालिदा के पास रहे और 6 दिन या हफ्ता या 10 दिन अला इख्तिलाफ रिवाया हजरत सुवैबा के पास रहे, आजाद की हुई बांदी, सबसे पहले जब इस कायनात में आप तशरीफ लाए तो सबसे पहले जो काम हुआ आपको मालूम है वो क्या हुआ? हमको कहते हैं इन्होंने दुनिया में गुलामी लाई, आकाए मदनी के दुनिया में आने के चंद मिनटों के बाद पहला कारनामा हुआ कि गुलाम आजाद हुए। नहीं समझे हुआ क्या था कि सबसे पहले दौड़ करके जिसने इत्तला दी, अब्दुल मुत्तलिब को भी इत्तला नहीं दी, अबू तालिब के घर में आप पैदा हुए हैं लेकिन अबू तालिब को भी इत्तला हुई, मुझे इसी तारीखी रिवायतें नहीं मिलती हैं, सबसे पहले इत्तला मिली तो अबू लहब को इत्तला मिली, और अबू कि मेरे दुनिया से जाने वाले भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, और ये खबर आकर के सुनाई उसकी बांदी हजरत सुवैबा ने, उसने कहा कि जा तुझे आजाद करता हूँ। और एक रिवायत है तरकात इब्ने साद में कि हजरत अब्बास ने एक ख्वाब देखा था, पूछा अबू लहब से बहुत बुरी हालत में उसको देखा, तेरा हाल क्या है? कहा बहुत बुरा हाल है,
अलबत्ता उंगली के बराबर इतना सा कतरा पानी का मिल जाता है हफ्ते में एक दिन। और पूछा वो क्यों मिल जाता है, कहा वो जो उंगली से मैंने इशारा किया था जा तू आजाद, बस उसकी वजह से मुझे इतना सा पानी मिल जाता है। तब कातिब ने साथ में है ये रिवायत, इतना सा पानी मिल जाता है, हमने तो दुनिया का आगाज यहां से किया है कि गुलामों को आजाद किया। उस बांदी हजरत सुवैबा के यहां मशहूर यही है, उनको भी ईमान नसीब हुआ रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनके यहां आप चंद दिन रहे मक्का वालों के पास, उसके बाद फरमाया जाओ देहात वालों को, उनको लोग समझते हैं बदकिस्मत हैं, उनकी किस्मत चमकाओ जा करके। और 2 साल रहे और फिर वालिदा लाई रजाई वालिदा, और फिर हालात ऐसे पेश आए, फरमाया 2 साल और रखो अभी इन्हीं गरीबों के बीच में। कोई सोच सकता है आज किसी मालदार का बेटा मिलेगा गरीब को? हाय हाय, अम्मसाइला फला तन्हार, मेरे हबीब तुझे गरीब नहीं पैदा किया, तुझे गरीबों के घर पैदा नहीं किया, मैं तो तुझे सारी कायनात तुझ पर निशावर करता हूँ, और ये कायनात है तो तेरे लिए है। हाय हाय, फूलों को खुशबू तो तेरे पसीने की वजह से मिली, और चांद को खूबसूरती तेरी वजह से मिली, अगर तू न पैदा होता तो आदम न आते, आदम न आते तो कायनात न होती। फिर तो मैं नहीं कहता लोग रहा, तो उस रिवायत को नहीं कह रहा हूँ, कुरान क्या कह रहा है कि ये कायनात किसके लिए है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा, अब तो कुरान से तो इस्तदलाल कर सकते हैं ना, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये मकसद है कायनात के पैदा करने का, और कायनात में असल मकसूद कौन हुए, फिर अंबियाए किराम, और अंबियाए किराम में इमामुल अंबिया कौन हुए, आप हुए। जब आप इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अव्वलीन हैं, सैयदुल आखिरीन हैं, तो कायनात किसके लिए है, फरमाया कायनात भी आपके लिए है, जिसको जो मिल रहा है वो आपके सदके में मिल रहा है, मैं पैसा कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे गरीबों का दिल रखना है। अब जो भीख मांगने के लिए आए, तूने गरीबों को देखा बनु साद में, तूने वो गडरियों को देखा है, और जब वापस वहां से आए तो फिर बकरियां चराने के लिए चले गए। मनाजिर हसन गिलानी यही कह रहे, ये भी मकसद है कि कोई कल ये ना कह दे कि मक्का की शहरियत ने आपको ये अखलाक सिखाए। फरमाया कोई नहीं सिखाता है, जिसको वो देता है उसी को मिलता है, बराह रास्त तरबियत हो रही है, परवरदिगार अता फरमा रहा है। वहां से वापस आए, फरमाया आप बकरियां चराओ और गडरियों के साथ जंगल में चले जाओ, वापस मत आओ। और 2-3 मरतबा हालात पेश आए वापस आने के, मक्का में रात भर लोग किस्से कहानियां कहा करते थे, आपको भी फजीलते बयान की के बाद फलानी जगह आज किस्से होंगे कहानियां होंगी चलो सुनते हैं, लेकिन आप जो मक्का में तशरीफ लाए बकरियां किसी और के हवाले की, अभी पहुंचे ही थे तो एक मकाम पर बैठे इंतजार में वहीं आंख लग गई, और आंख जब खुली तो किसी ने नहीं जगाया, सूरज की शुआओं ने जगाया जबकि वो सारा काम रात को हो चुका था। के साथ किस लिए, अम्मसाइला फला तन्हर, अब अगर कोई गरीब मिले उसको झिड़कना नहीं। और यही होता है गरीबों के मोहल्ले में, अगर मालदार की कोठी बनती है गरीब बड़े खुश होते हैं, दूसरों को सुनाते एक बाबूजी आए हैं, एक बड़े मालदार आदमी आए हैं, अब इनकी पता नहीं बरकतों से हमें क्या क्या मिलेगा, और उनकी बरकतों से सबसे पहले मिलेगा, वो कहेगा मेरी कोठी की तोहीन होती है, इनके झोपड़े हटाओ यार, इनके तंबू टेंट हैं कहीं दूर लगाओ, बेइज्जती होती है मेरी। वो चिढ़ता है गरीबों से, गरीब नहीं चिढ़ता है मालदार से। फरमाया तुझको इसलिए गरीब घर में पैदा किया, तेरे दिल के अंदर गरीबों का दर्द पैदा करना मकसद है। हम मसाइला फला तन्हर, सारी कायनात तो तेरे लिए है, लेकिन तुझे इन हालात से इसलिए गुजारा जा रहा है कि मैं बहुत मेहरबान हूं बंदों के ऊपर, मैं टूटे हुए दिलों को तुझसे जोड़ना चाहता हूं। अम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिथ, और आप देख चुके हैं जो नियामत से महरूम हो उस पर क्या गुजरता है, और सबसे बड़ी नियामत हिदायत की नियामत है। अम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिथ, अब ये नियामत आपको मिल गई है, आप इसको बयान कीजिए, आप इस नियामत को फैलाइए। और आपने कितना फैलाया, आखिरी हज के मौके पर फरमाया 1 लाख से ज्यादा लोगों से
क्या तुम गवाह हो और क़यामत के दिन गवाही दोगे कि मैंने इस नियामत को तुम्हें पहुंचा दिया? सबने कहा हाँ आपने पहुंचा दिया। हम क़यामत के दिन भी अल्लाह हमसे पूछेगा, हम ये गवाही देंगे कि आपने तो हक अदा कर दिया है। हाय हाय, जब जाते थे बड़े सलाम पेश करने के लिए तो क्या कहते थे? अद्दैतल अमाना, आपने तो अमानत का हक अदा कर, बल्लगतर रिसाला, आपने तो रिसालत को पहुंचा दिया है। आपने हक अदा कर दिया, ना कोई पहले दे सका ना कोई बाद में तसव्वुर और ख्याल में ला सकता है, कैसी कुर्बानी है। तो मेरे भाइयों, इतना हमारा मालिक मेहरबान है, इतना करीम है वो, कि उसने मेरा और आपका दिल रखने के लिए, हम गरीबों के लिए, हम हालात के मारे लोगों के लिए अपने हबीब को वैसे हालात में रखा ताकि उनके दिल में हमारा दर्द आए और हम भी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हों। खाने के लिए कुछ नहीं तो हम रोए धोए और कहें आए मर गए। अरे मर गए नहीं, मजे आ गए, एक सुन्नत नसीब होगी हमको भी आपाए मदनी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी के फटे हुए कपड़े हों और उसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हों, बंदे ही हैं कि अपने मालिक को भूल जाते हैं, बंदे ही हैं कि अपने मालिक को भूल जाते हैं। फरमाया अगर भूल जाओगे तो फिर अब तुम भूलोगे, एक वक्त आएगा तो मैं भी कहूंगा ननसाकुम कमा नसीतुम लिक। तुम चीखते रहो चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। और जो यहां मुझे याद रखेगा, मैं तो प्यार करता हूं मोहब्बत करता हूं, काश के बंदे पलट करके आ जाए। और जो यहां उसको नहीं भूलेगा, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, ये जन्नत है इसमें तुमको हमेशा रहना है और मैं तुमसे राजी हो गया, फलन असखत असखत अबदा, अब कभी तुमसे नाराज नहीं। नसीब हो जाए उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इतनी मुशक्कतें हमारे लिए बर्दाश्त की, हमें उनके तरीकों से मोहब्बत आ जाए, उनके तरीके अपनाएं, उनके तरीकों में हमको इज्जत महसूस हो और उनके तरीकों के छोड़ने में हमको जिल्लत महसूस हो। दुआ करें अल्लाह ऐसे हालात पैदा करे। अच्छा अच्छी बात وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم الله لا شريك لك لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله तेरे दुश्मनों के तरीकों को अपना लिया उन्हीं के जैसी सूरतें
बनाने लग गए, उन्हीं की जैसे सीरतें बनाने लग गए, ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा कसूर है। है मेरे मालिक, हम इज्तिमाई तौर पर इससे तौबा करते हैं, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाले। हम सब बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे मिलकर जवान तौबा करते हैं, मालिक तो अपने कर्म से हमारी तौबा को कबूल फरमा। अब हमें अपने प्यारे हबीब की सुन्नतें नसीब फरमा, उनकी एक एक सुन्नत हमारी जिंदगी को नसीब फरमा, हमारी जिंदगी को उनकी सुन्नतों से मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे। हमारी शादियां उनके तरीके के मुताबिक हों, हमारी खुशियां उनके तरीके के मुताबिक हों, हमारी गमियां उनके तरीके के मुताबिक हों, हमारा कोई कदम उनके तरीके से हट ना जाए, कोई कदम उनकी सुन्नत से हट ना जाए, हमारा जाहिर उनके तरीके के मुताबिक हो जाए, हमारा बातिन उनके तरीके के मुताबिक हो जाए। और तो अपने कर्म से इस इलाके में ये खास कर्म फरमा, कोई एक घर ऐसा न रहे कि जिसमें तेरे प्यारे नबी के तरीके ना हो। हमारी माँ को नसीब हो जाए उनकी घर वालियों का पर्दा, उनकी घर वालियों की पाक दामनी और हया इनको नसीब हो जाए, जैसा तूने अपने हबीब के घर वालों को नसीब किया था, उनकी बेटियों को नसीब किया था। हमको वो नसीब हो जाए जो तूने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अता फरमाया था। मालिक तू अपना करम फरमा, इस पूरे इलाके को कबूल फरमा ले, इसके लिए इसकी अलग पहचान हो जाए, जब भी कोई आए तो तेरे हबीब की सुन्नतों से इस इलाके को पहचाने। कोई फर्द बशर तेरे हबीब की सुन्नतों से बाहर ना हो, हर शख्स के चेहरे पर तेरे हबीब की सुन्नत हो, उसका जाहिर और बातिन तेरे हबीब की सुन्नत से मुनव्वर हो। तू अपना करम फरमा, हमारे इदारों को इसके लिए कबूल फरमा, इस पहलू से मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। इसी में हमको इज्जत नजर आए और इसके बगैर हमको जिल्लत नजर आए। आज हम जिल्लत को इज्जत समझ रहे हैं और इज्जत को जिल्लत समझ रहे हैं और फिर जिल्लत से दो चार होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हुए जा रहे हैं, मगर हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो हमें समझने की तौफीक अता फरमा, अपने कर्म से तौफीक अता फरमा। हमारा इस पर पुख्ता यकीन है, हमारी कामयाबियां सिर्फ तेरे हबीब की सुन्नतों में है, तेरे पूरे दीन पर अमल करने में है। जब तक हमको इज्तिमाई तौर पर तेरा पूरा दीन नसीब नहीं होगा, हम कामयाब नहीं होंगे। तो अपने कर्म से हमें इसका एहसास नसीब फरमा, पूरी मिल्लत को इसका एहसास नसीब फरमा, फिक्रों से हमारी हिफाजत फरमा, अंदर के फिक्रों से हिफाजत फरमा, बाहर के फिक्रों से हिफाजत फरमा। तुम्हें इत्तेहाद नसीब फरमा, इत्तेफाक नसीब फरमा, उम्मत को कौमों और इलाकों के नाम पर बंटने से बचा, तहजीबों और जबानों और मुल्कों के नाम पर बंटने से बचा, अपने कर्म से मसलकों के नाम पर बंटने से बचा, सारी उम्मत को इत्तेहाद नसीब फरमा, अपने कर्म से हमारे इदारों को, हमारी जमातों को ये काम करने की तौफीक अता फरमा, अपने कर्म से हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमा। अगर आज तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हों और मिल्लत की इस जबों हाली को देखें, उनके दिल पर क्या गुजरे, मालिक मुल्क को अपना करम फरमा, अपना करम फरमा और मिल्लत को इज्जत अता फरमा, इज्जत रफ्ता नसीब फरमा, उन बंदों को पैदा फरमा जो मिल्लत को जोड़ने का काम करे, इंसानों को तुझसे जोड़े, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से जोड़े, खुद उस पर अमल करके दिखाए, इंसानों को उसकी दावत दे। अपने कर्म से ऐसे बंदे पैदा फरमा और हमारे इदारों को इसकी तौफीक अता फरमा कि अपने तेरे कर्म से इन इदारों से ऐसे बंदे पैदा हों, और तू पैदा कर सकता है और तूने पैदा किए हैं। तो अपने कर्म से, अपने फजल से इस मुश्किल घड़ी के अंदर इन इदारों से काम लेकर के इनमें ऐसे बंदे पैदा फरमा जो इंसानों को तुझसे जोड़ने वाले बन जाएं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खड़े करने वाले बन जाएं, तो इस इदारे को भी कबूल फरमा, इसको सबर आवर इदारा बना दे, इसको वो तरक्की अता फरमा जो हमारे वहम ख्याल से बुलंद हो। तो अपने कर्म से
اس سے وہ کام لے لیں کہ جس سے اس پورے علاقے کی جہالت روانہ ہو جائے, یہاں اندھیری کے بجائے روشنی ہی روشنی ہو جائے, یہ علاقہ نہیں یہ پوری ریاست منور ہو جائے, یہ ملک منور ہو جائے اور پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچ جائے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, تو یہ سب کام کر سکتا ہے. مالک الملک یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے, بیماروں کو شفا نصیب فرما, اپنے کرم سے شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما, قرض داروں کے قرضوں کے ادائیگی کے حالات پیدا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, ہر ایک کی دل کی جائز خواہش کو پورا فرما, جائز تمنا کو پورا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, اور جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ہم سب کے حال پر کرم فرما, رحم فرما, اپنے کرم سے تو ان کو اپنی مرضیات عطا فرما, جب تک زندگی عطا فرمائے اپنے دین والی زندگی نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منور زندگی نصیب فرما, جب موت آئے تو مرتے وقت میں کلمہ نصیب فرما, اور محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرما, اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.